हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। अभी हमारे चैनल के ऊपर आपके लिए बीएसटीसी और पीटीटी के लिए स्पेशल बैच शुरू हुआ है, तो आप जो भी बच्चे बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से और पूरी शिद्दत के साथ जुड़े रहना। आपके लिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की क्लासें अलग अलग फैकल्टी के द्वारा चलाई जा रही है। जैसे रीजनिंग हमारे किशोर जी सर पढ़ाते हैं आपको, राजस्थान जी के एमसीयू की बैच आएगा वो हमारे मुकेश जी सर लेके आएंगे। हिंदी आप मेरे द्वारा पढ़ रहे हो, और राजस्थान करंट, इंडिया करंट, जो भी जितना भी करंट का पोर्शन है आपका वो सभी सभी मनोज जी सर पढ़ाए रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आपको पीटीटी और बीएसटीसी वाले बच्चों को जुड़े रहना है। आपके लिए पीटीटी और बीएसटीसी, अगर आप पीटीटी और बीएसटीसी क्लियर करते हो, देखो जब भी बच्चा बीएसटीसी क्लियर करेगा 2 साल के बाद, सीधे 2 साल के बाद वो रीट देगा। ठीक है, ओनली 2 साल के बाद वो कंपटीशन में आएगा। और यहाँ जो पीटीटी देता है, पीटीटी करता है बच्चा, जो बीए प्लस बीएड करेगा उसका 4 साल का कोर्स होगा, जो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करेगा उसका 2 साल का कोर्स होगा। ये सभी रीट प्लस सेकेंड ग्रेड दे सकते हैं, अगर एमए है तो साथ में फर्स्ट ग्रेड देंगे। ठीक है, जो बच्चे टीचर लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए पीटीटी और बीएसटीसी के इस बेस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको ये स्टेप पार करने पड़ेंगे, इन स्टेप के बिना आप टीचर नहीं बन सकते। जब तक आप बीएसटीसी पास नहीं करते, पीटीटी क्लियर नहीं करते, इनसे अच्छे नंबर नहीं लेके आते। देखो पास करना बड़ी बात है, नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, नंबर अच्छे लाना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि पीटीटी में अगर आपके थोड़े से नंबर आते तो आपको कॉलेज दूर मिलेगी, आपके गांव के पास या आपकी तहसील में कॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छे नंबर लेकर आते हो, जितने नंबर आप अभी ला रहे हो उसे 50-60 नंबर ज़्यादा लेकर आ रहे हो तो आपको कॉलेज आपके गांव के पास ही मिल जाएगी, जहाँ पर कोई बीएड कॉलेज हो। और बीएसटीसी की आपको पता है राजस्थान में सीटें सीमित हैं और कॉलेजें भी सीमित हैं। पीटीटी बीएड लिए तो बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन बीएसटीसी के लिए कॉलेजें भी सीमित हैं और सीटें भी सीमित हैं। तो इसमें जितने अच्छे नंबर लेकर आओगे उतनी पास कॉलेज आपको मिलेगी, जितनी दूर कॉलेज मिलेगी उतनी ज़्यादा ये सुविधा आपको ही होगी। ठीक है साथियों, तो चैनल पर बने रहें, बीएसटीसी और पीटीटी के स्पेशल बैच का आनंद लें, बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ें। आपको पता है गिनती के दिन बाकी रहे हैं इस एग्जाम के लिए। बात करेंगे हम अब हिंदी के अंदर संधि की, संधि पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं आज हम सबसे पहले स्वर संधि की। बात करेंगे हम स्वर संधि की। हमने बताया था स्वर संधि के अंदर क्या होता है, कल 3 फॉर्मेट बताए थे ना हमने कि भाई स्वर संधि हम किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। देखो स्वर संधि में क्या सीन था हमारा, स्वर धन स्वर, स्वर संधि में हमने बताया था कल स्वर के बाद अगर कोई स्वर आता है तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, हमने वहां पे एक उदाहरण भी दिया था आपको, दीप धन अवली यानी कि दीपावली, दीपावली का हमने उदाहरण देकर भी बताया था। ठीक है, अब हम स्वर संधि के अंदर पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद भी होते हैं, इसमें हम आप सबसे पहले लिखो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखो वर्दी संधि, सीक्वेंस से लिखेंगे हम। सबसे पहले काम करते हैं हम दीर्घ से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ, उसके बाद पढ़ेंगे गुण, गुण संधि, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्दी संधि,
उसके बाद हम पढ़ेंगे यम संधि, पांच नंबर पर पढ़ेंगे हम अयादि संधि। साथियों देखो, हमने सबसे पहले पढ़ी थी स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि के हमने कितने प्रकार बताए थे? स्वर संधि हमने पांच प्रकार की बताई थी, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की। उससे पहले हमने बताया था स्वर संधि किन शब्दों में होगी, कैसे पहचान करेंगे। तो हमने स्टार्ट में ये बताया था स्वर धन स्वर, अगर धन के पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर हो तो वहां स्वर संधि होगी, ठीक है। स्वर संधि हमने पांच प्रकार बताए थे। सबसे पहले हमने बताया था दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद हमने बताया था गुण स्वर संधि, उसके बाद बताया था वर्धित स्वर संधि, उसके बाद यण स्वर संधि और उसके बाद अयादि स्वर संधि। अब हम अलग अलग संधि को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, किस शब्द में कौन सी संधि है, किस प्रकार हम पहचान करेंगे, क्या क्या इनके नियम है।